नटराज निकेतन संस्था, मैत्री परिवार संस्था, संवेद इंटरनेशनल और हल्दीराम फूड्स के सौजन्य से भारत के हर गांव में स्वच्छ स्वास्थ्य वर्धक पानी पीने मिले, इसके लिए हेल्दी वाटर हेल्दी लाइफ ये उपक्रम क्या क्या है। इस उपक्रम के अंतर्गत यवतमाल, गढ़चिरौली, चंद्रपुर जिले के कुछ गांव का समावेश होने की बात मैत्री परिवार के अध्यक्ष संजय भिंडे और मुकुंद पाठीकर द्वारा आयोजित पत्र परिषद के दौरान कही गयी। इस उपक्रम अंतर्गत यवतमाल जिले के मुड़ावा, गढ़चिरौली जिले के बोधनखेड़ा और चंद्रपुर जिले के फ्लोराइड युक्त इन गांव में स्वास्थ्य वर्धक आयुर्जल वाटर प्लांट लगाया जाने वाला है। यह तीनों गांव फ्लोराइड से प्रभावित है। फ्लोराइड की वजह से इन गांव में स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानी का सामना गांव वालों को करना पड़ रहा है। हड्डियों की बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। फ्लोराइड मुक्त स्वास्थ्य वर्धक पानी पीने मिले, यही नटराज निकेतन संस्था मैत्री परिवार संस्था का उद्देश्य है। हेल्दी वाटर हेल्दी लाइफ इस विषय के अंतर्गत विदर्भ के लगभग 20 गांवों में शुद्ध जल उपलब्ध हो, ऐसा हमारा प्रयास है। इसमें सामवेद इंटरनेशनल के श्री मुकुंद पात्रीकर, नटराज निकेतन संस्था और मैत्री परिवार संस्था, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से यह प्रयोग हम कर रहे हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में आरओ करते हैं, शुद्ध जल देने वाला मशीन। ऐसा एक प्लांट लगाकर यह कार्यक्रम जिन गाँवों में फ्लोराइड युक्त वाटर है या स्वच्छ जल नहीं मिलता, ऐसे गाँवों में शुद्ध जल उपलब्ध हो, ऐसा हमारा प्रयास है। लगभग 20 गाँवों का चयन किया गया। गढ़चिरौली जिले से हम शुरुआत करें, पहले 3 प्लांट लगेंगे और बारी बारी उसको फिर 20 गांव तक हम जाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। लगभग एक प्लांट के लिए यानी पूरे यदि विचार करते हैं तो उसको जो 20 लाख का खर्चा है, इस खर्चे का सारा भार हल्दीराम फूड प्रोडक्ट्स ने उठाया। उनके आर्थिक सहयोग के कारण ही इस प्रकार का शुद्ध जल उपलब्ध कराने का प्रयास हमारा है। और पहला प्रयोग हमारा बोधनखेड़ा नाम का जो गांव है गढ़चिरौली का, वहाँ हमारा शुरू होगा। आने वाले महीने में इसको हम शुरू करने वाले हैं। इस स्वच्छ पानी पीने के व्यवस्था के साथ फिनाइल मेकिंग प्लांट के माध्यम से युवक महिलाओं को तथा बेरोजगार को रोजगार मिले, इस उद्देश्य के साथ गाँव को स्वयं पूर्ण करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इस साल 100 से ज्यादा गांव को स्वच्छ तथा स्वास्थ्य वर्धक पानी पीने मिले, इसके लिए नटराज निकेतन संस्था काम करी है। हेल्थ एनवायरनमेंट इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्सपर्ट और मेयर इनोवेशन अवार्ड प्राप्त मुकुंद पात्रीकर जी ने तैयार किया हुआ टेक्नोलॉजी का उपयोग इस मिनरल वाटर प्लांट में किया गया है। इसके पहले यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में पुसद तालुका में कालमुला और तरोड़ा ये गाँव है जहाँ पे फ्लोराइड ज्यादा है, और वहाँ पे हमने ये लास्ट ईयर इसकी शुरुआत की थी वहाँ से, और वहाँ से हमने शुरुआत की और अभी ये पूरे भारत भर में जहाँ जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और स्पेशली इस प्लांट का वैशिष्ट्य ये है कि इस प्लांट्स में सब पानी वेस्ट नहीं होगा, ज़ीरो वेस्टेज, ये हमारा सबसे बड़ा गोल है कि पानी की व्यवस्था तो हो गाँव वासियों के लिए पर पानी का बूंद भी वेस्ट ना जाए, ये इसके पीछे की हमारा उद्देश्य है स्पेशली। और इस उद्देश्य को फॉलो करते वक्त हमें बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि नॉर्मली प्लांट लगते हैं तो तकरीबन 50-80% वाटर वेस्ट होता है, मतलब अगर हमें 1 लीटर पानी अगर प्लांट में से जाएगा तो तकरीबन 800 ग्राम पानी वेस्ट होगा और 200 ग्राम हमें मिलेगा, पर इस वक्त हम ऐसा करें कि जितना पानी जाएगा उतना पानी पूरा फिल्टर है पीने लायक हम लोग करके देने वाले हैं। पानी का एक भी बूंद वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ये इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है। संस्था के अध्यक्ष मंगलाताई विटेकर, सचिव विलास पात्रीकर, मैत्री परिवार संस्था के अध्यक्ष संजय भिंडी सर, प्रमोद पिंडकी, चंदू पिंडकी, संवेद इंटरनेशनल के निखिल व्यास, मधुरा व्यास इस पत्रकार परिषद में उपस्थित थी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।